हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं पार्ट 3 मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र। राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए पंजाब प्रदेश की योग की टीम अपने गुरु सुदर्शन मोहन के साथ दिल्ली के झलकारी राजकीय उच्चतर विद्यालय अशोक बिहार में ठहरी हुई है। आज सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हैं। मत प्रसन्न का मीनिंग है खुश है, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें वचन दिया था कि यदि उनकी टीम प्रथम आती है तो उनकी तरफ से भी से सभी बच्चों को मेट्रो रेल के सुहावने सफ़र का उपहार दिया जाएगा। गुरुजी भी बहुत हर्षित हैं, क्योंकि उनकी टीम में ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर पंजाब प्रदेश के नाम को 4 चांद लगा दिए हैं। बच्चों के दिल भी बलियों उछलने लगे। दिल बलिए उछलने लगने, बहुत खुश होना। जब गुरुजी ने कहा, बच्चों आज हम सभी मेट्रो रेल के द्वारा लाल किला देखने जाएंगे। खिलाड़ियों वाले नीले रंग के ट्रैक सूट पहने सभी बच्चे गुरुजी की आज्ञा पाकर निकट के मेट्रो स्टेशन कन्हैया नगर की ओर लाइनें बनाकर बड़े उत्साह से चलने लगे। उस अनुशासन में आगे बढ़ते बच्चों के ट्रैक सूट पर छपा पंजाब सभी की शोभा बढ़ा रहा था। जैसे भी सभी कन्हैया स्टेशन नगर के स्टेशन पर पहुंचे तो राजीव ने कहा, गुरुजी रेलगाड़ी तो ज़मीन पर चलती है, पर यहाँ तो लगता है कि स्टेशन इस सड़क पर बने पुल के ऊपर है। गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा राजीव, मेट्रो रेलगाड़ी की यही तो विशेषता है कि परिस्थितियों और सुविधा के अनुसार इसकी पटरी ज़मीन पर या सड़क पर पुल बनाकर या ज़मीन के नीचे सुरंग खोदकर बिछाई जाती गई है, ताकि कम समय में अधिक फासला आसानी से तय किया जा सके। ये सुनकर प्रतिभा बोली, गुरुजी हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से आएगी? गाड़ी में बैठकर खिड़की के शीशे से आराम से देखना, तुम्हें पता चल जाएगा और आनंद भी आएगा। गुरुजी ने आनंद मतलब मज़ा आएगा, गुरुजी ने उत्तर दिया। प्रतिभा खुशी से उछल पड़ी और अपने साथियों से कहने लगी, मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा सभी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाना। अब तुम सब पंक्ति में ध्यानपूर्वक सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर स्टेशन पर जाओ। भास्कर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुजी यहाँ तो लिफ्ट भी लगी हुई है, फिर हम सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? गुरुजी ने सभी को समझाते हुए कहा, बच्चों लिफ्ट की सुविधा का प्रयोग वृद्ध का मतलब है बूढ़े लोग और बीमार के लिए तथा पाहिजों के लिए को पहिया कुर्सी सहित ले जाने और लाने के लिए किया जाता है। हम सब तो स्वस्थ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। लिफ्ट से के कहाँ पास खड़े कर्मचारी ने बीच में बोलते हुए कहा, बच्चों आपके गुरुजी ठीक कह रहे हैं, और ये देखो इसलिए ही लिफ्ट खोलने या बटन भी कम ऊंचाई पर लगाया गया है। जैसे ही सभी बच्चे स्टेशन पर पहुंचे, वह स्टेशन की साफ सफाई और सजावट देखकर दंग रह गए। चमकता संगमरमर का फर्श, आधुनिक बिजली उपकरणों और सामान्य सुविधाओं से सजे स्टेशन को देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। स्टेशन पर स्थान पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बड़ी ही सुंदर वर्दी में सुरक्षा कर्मी तैनात थे। गुरुजी ने सभी का समूह पास बनवाकर बच्चों को सुरक्षा जांच के लिए बने एक यंत्र में से निकलने के लिए पंक्ति में आने को कहा। राजीव ने अनायास ही पूछा, गुरुजी हम जलंधर रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही यंत्र में निकल कर आए थे, आखिर ये यंत्र क्या होता है? गुरुजी ने बताया, बेटा ये यंत्र किसी भी विस्फोट सामग्री के पास आते ही स्वयं ही एक विशेष ध्वनि निकालने लगता है। विशेष ध्वनि मतलब खास आवाज़ निकालने लगता है। इसी कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये यंत्र हर रेलवे स्टेशन पर लगाया जाता है। इसके पश्चात सुरक्षाकर्मी ने सभी की जांच की, और जांच मतलब निरीक्षण करना, ठीक है, और सभी प्रवेश द्वार पर करके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगे। स्टेशन पर ही यात्रियों की सुविधा के लिए सेस्त्रा कॉफ़ी की दुकानें, किताबों की दुकानें, नकदी के लिए एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध थी।
मनीष ने पूछा, गुरुजी सभी लोग तो उस मशीन वाले रास्ते से जा रहे हैं, हम उधर से क्यों नहीं गए? गुरुजी ने कहा, आओ इस कर्मचारी से पूछते हैं। कर्मचारी से पूछने पर उसने सभी बच्चों को मशीन की एक तरफ खड़ा करके बताना शुरू किया, ये सब चालित प्रवेश द्वार है, ये यात्रा के लिए एक टोकन प्रति यात्री टोकन दिखाते हुए दिया जाता है, जिसे उस मशीन के निकट लाने से प्रवेश द्वार खुल जाता है और यात्री इससे निकल जाता है। इस तरह रोजाना यात्रा करके यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड दिखाते हुए स्मार्ट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। इस कार्ड को मशीन के पास लाने से एक तो यात्रा के अनुसार उसमें सतत ही किराया कट जाता है, दूसरे जो समय टोकन खरीदने में लगता है वह भी बच जाता है। इसके अलावा मेट्रो रेल पर्यटक के लिए 1 से 3 दिन तक की असीमित मेट्रो रेल यात्रा के लिए पर्यटक कार्ड भी उपलब्ध करवाया जाता है। आपका समूह बड़ा होने के कारण आपका समूह पास बनाया गया, इसलिए आपको इस स्वचालित द्वार की अपेक्षा विशेष प्रवेश द्वार द्वारा प्रवेश करवाया गया। उसने कहा, चलो आपकी गाड़ी का समय होने वाला है, मैं आपको गाड़ी में बैठा कर आता हूँ। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर बच्चों ने महसूस किया कि वहाँ पर इतनी साफ सफाई है जैसे यहाँ कभी किसी ने पैर भी ना रखा हो। तभी भास्कर रेलगाड़ी देखने के लिए प्लेटफॉर्म के किनारे पर जा पहुँचा। गुरुजी ने उस कर्मचारी से उसी समय भास्कर को दौड़कर पकड़ा और बाकी बच्चों को पास लाकर प्यार से समझाया कि गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय, प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार करते समय, कभी भी प्लेटफॉर्म पर बनी पीली पट्टी को पार नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कर्मचारी को अनुरोध किया कि जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक बच्चों को वह मेट्रो रेल के विषय में और जानकारी दे। कर्मचारी ने बताना प्रारंभ किया कि कभी भी रेल की पटरी पर नहीं चलना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर थूकना, गंदगी फैलाना और कभी वस्तु खाना पीना दंडनीय अपराध है। यदि कोई वस्तु पटरी पर गिर जाए तो उसे उठाने का प्रयास ना करें। इस स्थिति में मेट्रो रेल के अधिकारियों से ही संपर्क करना चाहिए। गाड़ी की प्रतीक्षा करते समय जिस दिशा में यात्रा करनी है उसी दिशा में मुख करके खड़े होना चाहिए। तभी जैसे ही सूचना पट पर देखते हुए कहा, गुरु गाड़ी के पहुंचने का समय हो गया, हमें तैयार रहना चाहिए। इससे पहले कि वह कर्मचारी कुछ कहता, गाड़ी के पहुंचने की घोषणा होने लगी कि ठाला के से इंद्रलोक और कश्मीरी गेट होते हुए दिलशाद गार्डन बजाने वाली मेट्रो गाड़ी कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म पर पहुंच